Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 9 सितंबर 2019 मंडे है, सुबह के 8:19 हो रहे। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी में एक बाउंस बैक आने की कोशिश हो रही है, लेकिन उससे पहले कुछ हर्डल्स है हमने पास्ट वीडियोस में देखे थे। तो अभी ओवरनाइट जो सैटरडे और संडे था, तभी काफी ट्रेड वॉर को लेके यूएस और चाइना के बीच में पॉजिटिव आउटकम की कुछ खबरें आ रही है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखा जा रहा है। तो होप इस वीक भी ये पॉजिटिवनेस बरकरार रहे। तो आज क्या निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो फ्राइडे का हमने एनालिसिस किया था उसका क्विकली रिव्यू करेंगे। तो ये 6 सितंबर का एक पिक्चर है, आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने फ्राइडे का हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ ऊपर आए बटन में मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,861 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,802। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था इसके ऊपर ही ये निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ। तो हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि फर्स्ट टारगेट के ऊपर ही है निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ है। और एग्जैक्ट जो हमारा सेकंड टारगेट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लाइव मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस प्लान जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। जैसे ही लाइव मार्केट में ये जो ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, उसके बाद ये जबरदस्त टूवर्ड्स और भी नॉर्थ साइड के मूव हमें उस दिन दिखा। तो यहाँ पर फ्राइडे को प्लान के अकॉर्डिंग कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो चलते ग्लोबल मार्केट से शुरू करेंगे, ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते पहले। कल अमेरिकी फ्राइडे को अमेरिकी बाजार डाउ जोन 69 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, हालांकि नासडैक में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। यूरोपियन बाजार भी देखे तो हल्के से बढ़त के साथ फ्राइडे को बंद हुए, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स 93 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना और हांगकांग मार्केट में भी पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 45 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी बुल्स का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। बुल्स आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हर्डल्स है आगे टेक्निकली जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है उसके कारण और जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पर अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। तो लास्ट वीक ये फिर से ये जो 23.6% का लेवल है 10,983 ऑलमोस्ट 11,000 के पास, तो यहाँ पर एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, फर्स्ट हर्डल आ रहा है। और ये जो मूविंग एवरेज है 50 ईएमए का, ये ब्लू लाइन है और ग्रे लाइन है 100 ईएमए का। इसके बीच में अभी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक हो गए इस रेंज के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग है। ऊपर ये जो ब्लू लाइन है अराउंड 11,200 के पास है, और नीचे ये जो ग्रे लाइन है 100 ईएमए का, ये अराउंड 10,780 के पास है। तो इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है, तो काफी साइडवेज पैटर्न है। अगर आप वीकली चार्ट को और लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे, वीकली चार्ट को इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसे मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो एक यहाँ पर पैटर्न बन सकता है इसमें, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है अभी फिलहाल तो, लेकिन कंप्लीट नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। ये उसका हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड, और अभी राइट शोल्डर बनने के मूवमेंट यहाँ पर आई नहीं है। राइट शोल्डर बनना बाकी है, राइट शोल्डर ऐसे यहाँ पर बनेगा अगर यहाँ पर इस वीक एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल यहाँ पर अगर फॉर्म होता है, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट होगा। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये प्रोबेबिलिटी है।
और उसके बाद इसका ये नेक लाइन बन जाएगा, और नेक लाइन के ऊपर अगर कोई डिसीजिव मूव आता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में फिर से एक बार अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकता है। आरएसआई में भी सेम पैटर्न है, ये देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये हेड हो सकता है, और ये राइट शोल्डर अभी बना नहीं है, बन सकता है अगर पॉजिटिव मूव यहाँ से कोई आती है तो राइट शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक चांसेस है, अगर बार चार्ट या कैंडलस्टिक को देखें तो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक था, मॉडरेट बियरिश कैंडलस्टिक था, स्ट्रांग नहीं था, ये जो लो है इसके ऊपर आके जियो इस रेंज का हाफ पोर्शन है इसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर बुल्स और बियर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल दिखाई दे रही है। तो 2 हफ्ते हो गए, 2 वीक हो गए, इसका जो हाई और ये लो है इसी रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है, यानी इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है। तो इस कैंडल का हाई और लो आगे का ट्रेंड कंफर्मेशन हमें दे सकता है। तो यहाँ पर भी इसका हाई देखे तो ऑलमोस्ट 11,150 के पास है, ऊपर ये 50 EMA का ब्लू लाइन है, तो 11,200 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है, और ये जो इसका लो है 11,637 ऑलमोस्ट 640 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है एज पर वीकली चार्ट। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि हमने पास्ट वीडियोस में भी कहा था, ये जो जहाँ से कुछ 15-20 दिन पहले यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया था और टूवर्ड्स 20 EMA के ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक इसने बाउंस बैक दिखाया था, तो सेम अभी यहाँ पर भी इसी लेवल के पास से ये फिर से एक बार बाउंस बैक दिखा रहा है, और ये अभी पहुंच गया है 20 EMA के पास। हमने पास्ट में देखा ये एक, ये दो, ये तीसरी बार तो इसने 20 EMA के ऊपर क्लोज दिया था, हालांकि 2 दिन बाद ये फिर से इसने 20 EMA को टूवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक कर दिया। तो 20 EMA के ऊपर डिसीजिव मूव आना काफी जरूरी है, अदरवाइज ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यू यहाँ से हो सकता है। तो अभी फिलहाल एज पर डेली चार्ट ये 11,000 के पास है 20 EMA, तो 11,000 के ऊपर डिसीजिव मूव आना जरूरी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 11,000 का होगा और नीचे ये 10,770 का फर्स्ट सपोर्ट होगा और उसके बाद 10,640 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो ये है निफ्टी के डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह है निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी फ्राइडे के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ से बाय पोजीशन बना सकते हैं, यानी 10,957 के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा गैप भी यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो चांसेस है कि इस गैप को ये फिल करे और या फिर ये इस लेवल के पास से रेजिस्टेंस फेस करे, पेनेट्रेट हो और फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करे और इन मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हो। तो फिलहाल ये 10,957 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 10,979 है, और सेकेंड टारगेट होगा ये यहाँ पर जहाँ से ये एक फॉल आया था पास्ट में। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, ऑलमोस्ट 11,000 के पास है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 11,000 एग्जैक्ट 11,000 कर देते, ये 11,000 हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है। पहले तो पिवट पॉइंट का है, उसके बाद ये ब्लू लाइन है 50 EMA, 20 EMA है, 20 EMA को देखिए कैसे इसने एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो काफी सारे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, तो इन सबको ब्रेक होने दीजिए कम्फर्टेबली, यानी ये जो S1 का ये जो पिवट पॉइंट है इसके नीचे 10,890 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,868, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा ये 10,847 जो कि थर्सडे एक्सपायरी डे का क्लोजिंग लेवल था 10,847, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा।
तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।